रोमांटिक लव स्टोरी मूवी हर एक टीनेज को देखना पसंद होता है। ऊपर से टीनेज रोमांटिक लव स्टोरी मूवी हो तो पूछिए मत। ऐसी मूवी से अपने आप को रिलेट कर हमारी सिचुएशन से जोड़कर सीधा हमारी फीलिंग हमारी इमोशन से कनेक्ट हो पाते हैं। ऐसी लव स्टोरी मूवीज देखने का इंटरेस्ट हाईएस्ट लेवल पे चला जाता है। और मूवी की रोमांटिक स्टोरी में इतना दम हो कि मूवी देखते वक्त आपको आसपास की कोई चीज दिखाई ना दे, मूवी की रोमांटिक थीम आपको हमेशा याद रह जाए। तो आज के रिव्यू में ऐसे ही टॉप 10 ओनली बेस्ट रोमांटिक लव स्टोरी मूवी लाए हैं, जिनके कॉन्सेप्ट से आप 100% कहीं ना कहीं अपने आप को जरूर रिलेट कर पाएंगे। और खुशी की बात है, इस वीडियो में भी कुछ बोनस मूवी के बारे में बताएंगे जो हमेशा की तरह इस लिस्ट से भी एक लेवल ऊपर होगा। तो बोनस मूवी को कभी भी मिस मत करिएगा। ऐसे ही ओनली बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट हम आप तक ढूंढ कर लाते रहते हैं, लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते भाई लोग, ये गलत बात है। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। तो चलिए इन मूवी के थ्रू उन सुनहरे पलों को फिर से एक्सपीरियंस किया जाए। नंबर 7 की मूवी ने हर एक टीन एज के सारे एसेंशियल टॉपिक को फ्रेश एंड कूल वे में हमारे सामने रख डाला। हर एक टीन एजर इस मूवी के कैरेक्टर से खुद को रिलेट कर पाएंगे। नेटफ्लिक्स की तरफ से फ्रेश 2018 से 2021 तक टोटल 3 पार्ट का कलेक्शन टीन एज रोमांस कॉमेडी के साथ द किसिंग बूथ। मूवीज की स्टोरी वो कॉलेज लाइफ टीनेज रोमांस पे बेस्ड है, जिसमें वो कॉलेज वाली रोमांस वो फर्स्ट लव वाला इमोशन वो किस टीनेज वो रोमांस के प्रति हमारी नजरिया ये मूवी हमारे सामने अच्छी तरह से रखने की कोशिश करती है। नो डाउट इस मूवी के पार्ट 1 मस्ट वॉच, हर किसी को एक बार देखनी ही चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस मूवी के फर्स्ट पार्ट हमारे एक्सपेक्टेशन को बिल्ड करती है, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। मूवी नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 की मूवी में अगर वो इमोशन वो केमिस्ट्री बिल्ड ना हो तो वो मूवी देखने में मजा नहीं आता। वो दो लोगों के बीच वो इमोशन वाला केमिस्ट्री आपको फील कराएगी। 2009 की रोमांस कॉमेडी के साथ द अगली ट्रुथ, ऐसी रोमांटिक मूवी काफी कमाल की होती है। किसी और का प्यार मिलाते मिलाते खुद आप प्यार में पड़ जाओ, इसमें कोई शक नहीं। ऊपर से जेरार्ड बटलर की एक्टिंग ऐड कर दिया जाए तो ऐसी मूवी देखने में मजा तो आता है। मूवी बस थोड़ा इसका एंडिंग हमारे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करती, पर मूवी की वो रोमांटिक थीम और वो जेरार्ड बटलर की एक्टिंग के लिए मूवी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मूवी हिंदी में अवेलेबल है, एक बार जरूर एक्सपीरियंस करिएगा। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी यार, इस मूवी ने हमारी सोच बदल कर प्यार को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया। प्यार सिर्फ इंसानों के बीच हो सकता है, इस मूवी ने गलत साबित कर दिया। 2017 की ऑस्कर विनिंग मूवी रोमांस फैंटेसी के साथ द शेप ऑफ वाटर, ऐसी जबरदस्त रोमांटिक मूवी को एक बार ट्राई जरूर करिएगा। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 की मूवी, इस मूवी को देखने के बाद आप 100% ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जेनिफर एनिस्टन की प्यार में पड़ जाओगे। मेरा मानिए तो ऐसी मूवी को हर एक कपल को देखनी चाहिए। 2006 की रोमांस कॉमेडी के साथ द ब्रेकअप, मूवी की स्टोरी एक कपल के बीच ब्रेकअप होने के बाद की स्टोरी दिखाई है। ये मूवी आपको फील कराएगी कि किसी की ना होने से ज्यादा उसकी अहमियत उसके ना होने से होता है। और सच में भाई, वो जेनिफर एनिस्टन की वो एटीट्यूड आपको दीवाना बनाकर छोड़ेगी। कपल के बीच वो खट्टी मीठी अप्स लव स्टोरी मूवी को मस्ट वॉच बनाती है। मूवी में बस एक जगह पे न्यूड सीन है, बाकी कोई एडल्ट सीन नहीं है। मूवी को आप फैमिली के साथ देख सकते हो। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 की मूवी, अगर रोमांस क्वीन ब्यूटीफुल जेनिफर एनिस्टन उस मूवी में हो तो उस मूवी के सारे नेगेटिविटी निकाल कर देखना चालू करिए। उनकी एक्टिंग आपको एक पल के लिए डिसअपॉइंट नहीं करेगी। जब आपको अपने ही एक्स वाइफ को पकड़ कर लाने का काम मिले तो आप क्या करिएगा, होगा ना काफी रोमांटिक। 2010 की रोमांस ड्रामा के साथ जेरार्ड बटलर की द बॉन्टी हंटर, मूवी की स्टोरी एक बॉन्टी हंटर उनके एक्स वाइफ पे फोकस्ड है। एक दिन उसे ही अपने एक्स वाइफ को ढूंढ कर लाने का काम मिलता है। उसके बाद से शुरू होता है भाई इनके बीच वो रोमांस वाली खट्टी मीठी फुल इमोशन वाला लव स्टोरी। और सच में भाई इनके बीच की केमिस्ट्री कमाल की है। जेरार्ड बटलर और ब्यूटीफुल रोमांस क्वीन जेनिफर एनिस्टन की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग के लिए जरूर इस मूवी को एक ट्राई दीजिएगा। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी ने प्रूफ कर दिया कि किसी ने सही कहा है कि पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता। और सच में भाई, इस मूवी के कैरेक्टर की इमोशन उनकी एक्टिंग में दम है। ये मूवी आपको फील कराएगी। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2019 की बेहतरीन रोमांस कॉमेडी के साथ ऑलवेज बी मे बी, ऐसी जबरदस्त मूवी हर कोई को देखनी चाहिए। मूवी नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 के मूवी के स्वीट एंड सिंपल लव स्टोरी ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। अगर आप अपने दिमाग को फील गुड वाला एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए, आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देगी। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2019 की रोमांस कॉमेडी के साथ फॉल इन लव।
मूवी की स्टोरी जैक टेलियर और गैब्रियला पे फोकस्ड है। उसके बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप होने के बाद एक ऑनलाइन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती है और एक घर भी जीत जाती है। वहाँ जाने के बाद मिलती है टेलियर से। उसके बाद से शुरू होता है अलग अलग पर्सनैलिटी होने के बावजूद भी वो लव वाला इमोशन। ये सब देखने में मजा बहुत आता है और सच में इन दोनों के बीच की वो केमिस्ट्री काफी स्ट्रांग है। मूवी आपको एक बार देखनी चाहिए, नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 की मूवी, यार इस मूवी सीरीज को जिसने भी देखा उसकी फेवरेट लव स्टोरी लिस्ट में टॉप पे जगह बना लिया। और क्यों ना हो, हमने दो इंसानों के बीच लव स्टोरी रोमांस देखा है, पर इस मूवी में वेम्पायर, वेयरवुल्फ और इंसानों के बीच की लव स्टोरी दिखाया है, तो ऐसी मूवी सीरीज देखने में मजा क्यों ना आए। ट से 2012 तक टोटल 5 मूवी का कलेक्शन एपिक रोमांस फैंटेसी के साथ द ट्वाइलाइट सागा। मूवी की स्टोरी वेम्पायर, वेयरवुल्फ और इंसानों के बीच ट्रायंगल लव स्टोरी पे बेस्ड है। ऐसी लव स्टोरी मूवी काफी कमाल की होती है जिसमें वेम्पायर लव हो, ऊपर से सुपर नेचुरल पावर और डार्क मिस्ट्री हो, तो ऐसी मूवी देखने का मजा ही कुछ और होता है। और सच में मूवी एक बार देख लिया तो आपकी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगी। कैरेक्टर की एक्टिंग के बारे में क्या बताए, एकदम टॉप नॉच लेवल की। लीड एक्ट्रेस क्रिस्टन स्टीवर्ट की एक्टिंग में इतना दम है कि आपको उनसे प्यार हो जाएगा। ऐसी मास्टरपीस मूवी सीरीज को एक बार एक्सपीरियंस करनी ही चाहिए। मूवी के सारे पार्ट हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की मूवी ने मेरा फिर से दिल ही जीत लिया। आप सोचिए, बचपन से आपके जितने भी क्रश हो उन सभी के नाम पे एक लव लेटर लिखें और एकदम से एक दिन उन सभी के पास पोस्ट हो जाए, तो सोचिए आपकी लाइफ में क्या भूचाल आएगी। ये मूवी वो सिचुएशन को अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कराएगी। 2018 की नेटफ्लिक्स की तरफ से बेहतरीन टीनेज रोमांस कॉमेडी के साथ टू ऑल बॉयज लव बिफोर, ऐसी मूवी को एक बार एक्सपीरियंस जरूर करिएगा। मूवी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 1 की मूवी, यार क्या ही बताए, इस मूवी के बारे में बताने के लिए कोई शब्द ही नहीं बना है। आज भी जैक एंड रोज का नाम सुनते हैं तो शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिसने 14 ऑस्कर नॉमिनेशन में 11 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं लगभग हर एक कैटेगरी में। 1997 की सुपर डुपर हिट रोमांस ड्रामा के साथ टाइटैनिक, ऐसी लीजेंडरी मूवी के स्टोरी के बारे में क्या बता। जेक एंड रोज की वो बीच की इमोशन हम ऑडियंस के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो चुका है, जिसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हॉलीवुड को खुद 12 साल लग गए, तो सोचिए ये मूवी हम ऑडियंस के बीच कितनी पॉपुलर हुई होगी। इस मूवी को जिसने भी थिएटर में एक्सपीरियंस किया होगा उसके लिए ये मूवी कोई फेस्टिवल की तरह, कोई सेलिब्रेशन से कम नहीं होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा इस मूवी को कौन कौन थिएटर में एक्सपीरियंस किए हो। अगर आपने ऐसी मास्टरपीस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आपने कुछ नहीं किया, अभी जाकर करिए। मूवी हिंदी में अवेलेबल है। ऐसे ही सिर्फ क्वालिटी कंटेंट ढूंढकर हम आप तक लाते रहते हैं भाई लोग, पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये गलत बात है। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।